साल 2021 शुरू हो चुका है और इस साल कुछ धमाकेदार स्मार्टफोन्स की भारत में एंट्री होने जा रही है। पिछले साल कोरोना महामारी के दौर में भी तमाम बड़ी कंपनियों ने अपने पॉपुलर स्मार्टफोन्स को बाजार में उतारा था। Xiaomi, Vivo, Oppo, Apple, OnePlus ने अपने नए मॉडल लॉन्च किए। इसमें बजट से लेकर प्रीमियम कैटेगरी के स्मार्टफोन्स शामिल थे। इस साल भी कई बड़े फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, तो चलिए आपको कुछ ऐसे ही स्मार्टफोन्स के बारे में बताते हैं जिनकी साल 2021 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसमें सबसे पहला नाम है OnePlus 9 सीरीज। इस सीरीज पर पिछले कई महीनों से काम चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे साल 2021 के पहले 6 महीनों में उतारा जा सकता है। इसके फरवरी या मार्च में लॉन्च होने की उम्मीद है। चीनी स्मार्टफोन ब्रांड ने OnePlus 9 सीरीज को लेकर कोई जानकारी का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है। सीरीज के मेन फीचर्स में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर रहने की उम्मीद है। फोन में स्क्रीन के साथ ज्यादा रिफ्रेश रेट, क्वाड रियर कैमरा, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। तो इस सीरीज में दूसरा नाम है सैमसंग गैलेक्सी S21। सैमसंग गैलेक्सी S21 का लंबे समय से इंतजार है। इसका लॉन्च अगले महीने होने की उम्मीद है। सैमसंग का बड़ा फोकस उसकी फ्लैगशिप गैलेक्सी एस सीरीज पर है। अभी तक सैमसंग ने यह कंफर्म नहीं किया है कि कंपनी क्या गैलेक्सी S21 फैन एडिशन को लॉन्च करेगी। सैमसंग की गैलेक्सी एस और नोट 9 का मर्जर करने की भी योजना है। तो वहीं Xiaomi भी Xiaomi MI 11 Pro को लॉन्च करने वाली है। Xiaomi ने हाल ही में चीन में MI 11 को स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया है। खबरों के मुताबिक चीनी स्मार्टफोन्स ब्रांड उसके प्रो वर्जन को फरवरी या मार्च के करीब लॉन्च करेगी। MI 11 दुनिया में पहला स्मार्टफोन है जो क्वालकॉम के लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट के साथ आता है। फिलहाल MI 11 या MI 11 Pro क्या भारतीय बाजार में आएगा, इसे लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। Realme भी अपना स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करने वाली है। पिछले साल Realme X50 के लॉन्च के बाद कंपनी के अगले फोन को लेकर काफी उम्मीदें हैं। Realme की नजर फ्लैगशिप सेगमेंट पर है, जहां वो OnePlus को कड़ी टक्कर दे सकता है। ये फोन Realme का पहला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर वाला होगा। हालांकि इसके आधिकारिक नाम और लॉन्च डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो वहीं Apple भी अपना iPhone 13 लॉन्च करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple ने iPhone 13 सीरीज पर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से iPhone 12 सीरीज का लॉन्च एक महीने टल गया था। iPhone 13 से जुड़ी खबरें पहले ही आने लगी थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone 13 में 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, 2F लीडर सेंसर्स, Wi-Fi 6E होगा। इनके अलावा 2021 में कई फोल्डेबल स्मार्टफोन्स भी लॉन्च होने वाले हैं। Xiaomi 2021 में 3 फोल्डेबल स्मार्टफोन्स लॉन्च कर सकता है। तो वहीं Samsung अपने रूमर्ड Galaxy Z Fold 3 को छोटी डिस्प्ले के साथ लॉन्च कर सकता है। तो अगर आप इस साल नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो नए साल में इन शानदार 5G स्मार्टफोन्स को खरीद सकते हैं।